पीएम मोदी ने बेंगलुरु में भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे बेंगलुरु, थोड़ी देर में करेंगे विधानसभा में आगमन। वाराणसी के ज्ञानमापी परिसर में एएसआई सर्वे की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ जिले के अर्जपुर से शुरू। दिल्ली के कई इलाकों की हवा बेहद खराब, AQI 300 के पार। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में आग से झुलसकर 3 की मौत, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। जम्मू कश्मीर के शोपिया में चल रहे सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। तमिलनाडु के चेन्नई समेत कई जिलों में बारिश की वजह से स्कूल बंद। ब्रसेल्स में संदिग्ध आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की चाकू मार कर हत्या। पराली जलाने पर NHRC ने पंजाब से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। एलन मस्क ने ली चुटकी, उन्होंने कहा, मुझे अच्छा लगता है जब लोग ट्विटर पर ट्विटर के बारे में ही शिकायत करते हैं। ज्ञान मापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। सपा ने मैनपुरी से डिंपल यादव के नाम का किया ऐलान, तो अपर्णा यादव ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष से की मुलाकात। MCD चुनाव के लिए अब तक सिर्फ 7 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल, सभी निर्दलीय। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 46 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। UN के मंच पर CAA पर सवाल करने वालों को भारत ने आपत्ति जताने वालों को भी सीधा सीधा समझाया। लखनऊ में 13 होटल और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई, 9 लाख से अधिक का जुर्माना। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कूड़े का नया पहाड़ नहीं बनने देंगे। राजस्थान में जूते की माला पहनाई, पिलाया पेशाब और लिव इन में रहने की सजा दी, जिससे आपकी रूह कांप जाएगी।